हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मनीषेक राजपूत। तो आज मैं काफ़ी ठीक हो गया हूँ। तो मैंने पहले दाढ़ी ट्रिम करवाई, फिर इतना भी ठीक नहीं हुआ, फिर मेरे हल्का हल्का पेन हो रहा है, लेकिन आज मुझे जिम जाना है शाम को, तो मैं रेडी हो गया हूँ जिम जाने के लिए। तो मेरे को लग रहा है आज रेस्ट कर लेना चाहिए, लेकिन ट्राई करते हैं। मैं आज वैसे जब ट्रिम करवाने गया तो थोड़ा पेन हो रहा था, लेकिन मुझे बाहर का मौसम देख के बहुत अच्छा लगा, यानी मुझे ट्राई करना चाहिए बाहर जाने के लिए। तो अभी फटाफट मैं रेडी होके जिम के लिए निकलता हूँ। वैसे तो 4:30 बज गए, इस टाइम तो मुझे निकल जाना चाहिए, लेकिन चलो कोई नहीं, बस निकल जाए, टाइम से पहुँच जाऊँ, क्योंकि मुझे खुद अच्छा नहीं लगता मैं कहीं बगैर टाइम के पहुँचता हूँ। तो चीकू वो देख, चीकू हाँ ठीक है, फटाफट रेडी होके जिम जाते हैं, बहुत टाइम हो गया यार जिम गए हुए। शूज वगैरह पहन ले, ज्यादा लेट नहीं हुए तो ज्यादा, हाँ ठीक है आ जाऊंगा मैं टाइम से। तो जिम जाने के लिए मैं रेडी हो गया हूँ, तो अब जिम निकलता हूँ, मैं मिलता हूँ फिर मैं आपसे। जिम पहुँच गया हूँ मैं, कमर में अभी भी दर्द है, थोड़ा ज़्यादा दर्द हो रहा है। अब वर्कआउट भी बैठ के ही करवाऊँगा सबको मैं, अभी प्रॉपर सही नहीं हुआ, मुझे लगा कि सही हो गया है लेकिन अभी प्रॉपर सही नहीं हुआ। कोई नहीं, ऐसे धीरे धीरे सही हो जाएगा। हमारे जिम का स्टाफ इतना अच्छा है, जब मैंने बताया सर को, सर को पता था वैसे पहले से कि मेरे लोअर बैक में प्रॉब्लम हो गई थी, साइकेटिक प्रॉब्लम हो गई थी। उन्होंने बोला आओ मैं स्ट्रेचिंग कर देता हूँ और बाम लगा देता हूँ, और स्ट्रेचिंग और बाम लगाने के बाद बहुत अच्छा फील हुआ। और जब भी आप किसी से करवाएं चाहे, तो इस बात का ध्यान रखें कि जिस एरिया में पेन है वहाँ पर ज़्यादा प्रेस ना करें, हल्के हाथों से ही आप मसाज करवाएँ, ताकि जो इंजर्ड वाली जगह वहाँ पर ज़्यादा जोर ना लगे, और बिल्कुल हल्के हाथों से मसाज करवाएं। और किसी जो एक्सपीरियंस्ड है, जैसे ये सर है एक्सपीरियंस्ड है, उन्हीं से आप मसाज करवाएं, ताकि वो जगह को अच्छी तरह से समझते हैं। ये काफ़ी टाइम से ट्रेनिंग करवा रहे थे, इनको पता है कि किस जगह पर कितना प्रेस करना है। नहीं तो जो नॉर्मल होते हैं, जो देख लेते हैं कि हाँ ऐसे करना है, फिर उस जगह पर ज़्यादा ही प्रेस करते हैं, तो दर्द आपका कम होने की बजाय दर्द बढ़ भी सकता है। इसलिए हमेशा एक्सपीरियंस लोगों से ही ये सब करवाएं जिनको अनुभव है।
जो भी जिन पहुंचने से के टाइम मेरे आने जाने में थकान हुई थी, लोअर बैक में थोड़ा पेन हुआ था, इस मसाज के बाद बहुत ही अच्छा मज़ा आ गया, यानी रिलैक्स हो गई पूरी मसल मेरी, अब अच्छा लग रहा है। यानी दर्द हो गया था जब मैं बाइक स्कूटी से आया था जिम, तो उसमें दर्द हो गया था। तो आज काफ़ी दिनों बाद जिम गया, और जिम जाके फ़ायदा हुआ क्योंकि वहाँ पर मैंने एक सोनी सर आते हैं जो भी फिटनेस ट्रेनर, उनसे स्ट्रेचिंग करवाई लोअर बैक की, तो अब काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो उन्होंने बड़े प्यार से लोअर बैक की स्ट्रेचिंग कर दी, बाम लगा दिया, तो उससे थोड़ा रिलीफ मिला मुझे, क्योंकि मैंने ये काफ़ी दिनों बाद जिम गया था तो थोड़ा चलना फिरना ज़्यादा हो गया था, तो थोड़ा दर्द बढ़ रहा था, तो उन्होंने तो स्ट्रेचिंग कर दी। तो यानी अब अच्छा लग रहा है कि चलो भाई जा आ पा रहा हूँ मैं कहीं भी, तो अब जिम से आ गया मैं, अब डाइट वगैरह लेंगे। और चीकू ने आते ही सारा मुंह चाट लिया यार, फिर आज तो बुक भी नहीं पढ़ी, तो बुक भी पढ़ लेंगे। तो कल मेरा बहुत दिनों बाद फर्स्ट डे था जिम का, तो थोड़ा दर्द था, तो इस वजह से मैं रात को जल्दी डिनर करके सो गया। तो अभी उठाऊँ मैं सुबह के 6 बजे, तो अभी मैं वीडियो एडिट करके अपलोड करूँगा, तो 7-8 बजे तक आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी। तो आप अपना इसी तरह ध्यान रखें, आज मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में नए मोटिवेशन के साथ। जब तक आप इसी तरह हमारे चैनल पर बने रहें, टेक केयर, बाय बाय।